नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत वाईटी में और हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो गाइज, आज के इस वीडियो शुरुआत करने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें इमली फ्लेवर्ड या फिर इमली पसंद है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ वैसा ही है जो कि है आपका लविना जेरीडोज इमली फ्लेवर, और ये जो है आपका एक इमली फ्लेवर्ड जली है, जली कैंडी है। तो इसके बारे में जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में इस इमली वाले प्रोडक्ट के लिए एक लाइक तो बनते ही है, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। क्या दोस्तों, अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं आपको। तो सबसे पहले इसका प्राइसिंग बता दूँ तो इसका प्राइस है ₹1, ये ₹1 में मार्केट में अवेलेबल है। फिर आते हैं इसकी कंपनी की और, तो इसको बनाने वाली जो कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो है आपका प्रयाग न्यूट्री प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपकी तेलंगाना में है, और तेलंगाना जो है वो आपका इंडिया में है। तो ये जो है ये आपकी एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है बाय इंडियन कंपनीज। और अब हम आते हैं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जिससे बनाया जाता है। तो उसमें आपका आता है तो गाइस शुगर, फिर आता है लिक्विड ग्लूकोज, उसके बाद इसमें आता है आपका जेलिंग एजेंट, यानी कि जेली का रूप देने के लिए जेलिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो जेलिंग एजेंट और साथ में एसिडिटी ना हो इसको खाने से, इसलिए एसिडिटी रेगुलेटर इसमें डाला जाता है। उसके बाद इसमें जो रहता है आपका कलर जो रहता है वो आपका परमिटेड नेचुरल कलर, परमिटेड नेचुरल फूड कलरिंग इसमें डाला जाता है। साथ में इसमें जो फ्लेवर रहता है वो आपका टर्मराइड यानी कि इमली, उसका फ्लेवर इसमें डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इसके इंग्रेडिएंट्स और इसमें कौन से फ्लेवर एंड कलरिंग डाला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। और अगर बात करें कि वेज नॉन वेज है, तो हाँ गाइस सिंपली ये वेज ही है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका वेज का भी साइन दिया हुआ है। तो गाइस अब हम इसे ट्राई करते हैं। अगर आप में से भी किसी ने इसे कभी ट्राई किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, कैसा रिस्पॉन्स आपको लगा इसका। और नहीं देखा है तो देख लीजिए यहाँ पे कि कैसा है कैसा नहीं। तो ये रहा है हमारा प्रोडक्ट इमली वाला, और आई होप सो ये जेली जैसा है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी है क्योंकि इसका बाउंसनेस भी मतलब ड्राई जेली टाइप से है, ठीक है, उतना चिपचिपा नहीं है। हालांकि हो सकता है ठंडी है इसलिए उतना चिपचिपा नहीं है, इसलिए थोड़ा सूखा है, और काफ़ी अच्छा मुझे जेली का ये लग रहा है। तो चलिए, इसका थोड़ा सा हार्ड जेली है, ठीक है, मतलब जैसे टूटी फ्रूटी वगैरह उस टाइप से थोड़ा हार्ड जेली लग रहा है। तो चलिए अब इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों, इसमें आपका इमली जली का जली है तो ऑब्वियसली जली जैसा तो है ही, और साथ में इमली का जो फ्लेवरिंग है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। मतलब अगर मैं इमली का फ्लेवरिंग बोलूँ तो आपका अबाउट मोस्टली 70% इसमें आपका इमली का फ्लेवरिंग आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, प्लस साइड में थोड़ा सा शुगर एंड लिक्विड ग्लूकोज वो सब का भी आपका टेस्ट आ रहा है, मतलब अबाउट 30% शुगर एंड उसका टेस्ट आ रहा है। तो इसलिए मतलब 70% इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो हाँ, अगर आपको इमली का टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब लाइट इमली का टेस्ट या फिर मीडियम से हल्का सा ज़्यादा अगर आप लोगों को पसंद है टेस्ट इमली का, तो आप इसे बिल्कुल भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन्हें अगर शुगर वगैरह का मतलब शुगर से बीमारी है तो वो लोग इसे ट्राई ना करें। और जिन्हें अगर इमली एकदम खट्टा है, इमली बहुत ही खट्टा एकदम जैसे खाने के साथ पूरा मतलब चेहरा का फेस रिएक्शन बदल जाए, तो वैसा उतना कुछ इसमें नहीं होगा आपको। और यही है इसकी टेस्ट, और बाकी चीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करो तो वो भी एकदम आपका 80% काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो हाँ, अगर आपको कभी इमली खाने का मन करे बिना इमली के फ्रूट को यूज़ किए, तो हाँ आप इसे इमली खा सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज, यही था आज का हमारा प्रोडक्ट रिव्यू ऑन
इमली फ्लेवर्ड कैंडी, जली कैंडी, जिसका नाम था आपका लवीना जेली टोस्ट इमली फ्लेवर्ड कैंडी जेली कैंडी। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। आई होप सो आपको हमारा आज का रिव्यू अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हमारे हर नए वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबाइए और उसे ऑल पे सेट कर दीजिए, आपको हमारी हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों अब मैं रहता हूँ आपसे इजाज़त, ये हमारे कुछ और वीडियोस, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।